दोस्तों हम जो आईडी प्रोवाइड करते हैं ये ब्रांच आईडी है। ब्रांच आईडी मिलने के बाद आपका सेंटर का नेम NSDL ऑफिशियल साइट में भी शो कराएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीत रॉय और आप देख रहे हो टेक्निकल चिरू 2.0। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन में पेपरलेस पैन कार्ड की एप्लीकेशन करना चाहते हो, मतलब मोबाइल ऐप से ही एक घंटे के अंदर अंदर ई पैन कार्ड अगर आपको बनाना है तो आपको ब्रांच आईडी ही लेना पड़ेगा। ब्रांच आईडी लेंगे तो आप कंप्यूटर से भी पैन कार्ड बना सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन से भी पैन कार्ड बना सकते हो। मैं कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा हूँ, गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए NSDL पाम तो आपको NSDL का मोबाइल एप्लीकेशन दिख जाएगा, साइट में आप देख सकते हो। तो इसी ऐप के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर इस ऐप का आईडी पासवर्ड आपको चाहिए तो आपको आसानी से टेक्निकल चिरू से मिल जाएगा। इस ऐप का आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट, पासबुक या कैंसिल चेक, कोई भी चलेगा, और एक सर्टिफिकेट का जरूरत है। आपके पास CSC का सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, अगर CSC का नहीं है तो स्पाइस मनी, पे नियर बाई, फिनो पेमेंट बैंक, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे और इस आईडी का एक रजिस्ट्रेशन फ्री है 1250 रुपये, वो आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद 7 to 10 days में आपको आईडी पासवर्ड ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। दोस्तों हम जो आईडी प्रोवाइड करते हैं ये ब्रांच आईडी है। ब्रांच आईडी मिलने के बाद आपका सेंटर का नेम NSDL ऑफिशियल साइट में भी शो कराएगा। यूट्यूब में आप अगर NSDL पैम के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग एक वेबसाइट में NSDL पैन कार्ड की पेपरलेस पैन कार्ड एप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं, और भी ऐसे 2-3-4 कंपनी है जैसे CSC का है, उसमें वेबसाइट से ही पेपरलेस पैन कार्ड की एप्लीकेशन होते हैं। लेकिन भाई मैं आपको डायरेक्ट NSDL पैम पोर्टल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ब्रांच आईडी लेंगे तो आपको डायरेक्ट जो NSDL पैम पोर्टल है उसमें काम करने के लिए मिलेगा, और NSDL का ही जो मोबाइल एप्लीकेशन है NSDL पैम मोबाइल एप्लीकेशन उसमें आपको काम करने के लिए मिलेगा। तो वो अलग है, ये अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। तो आपको अगर NSDL का ब्रांच आईडी लेना है और आपका सेंटर का नेम NSDL ऑफिशियल साइट में शो कराना है तो आप जरूर टेक्निकल चिरू के साथ कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही लो प्राइस है, इस लो प्राइस से आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। दोस्तों आपको अगर टेक्निकल चिरू को विश्वास नहीं होते तो आप टेक्निकल चिरू यूट्यूब चैनल में जाओ और टेक्निकल चिरू का जो प्रीवियस कस्टमर है, मतलब जिनको हमने प्रोवाइड किया, उन्होंने वीडियो फीडबैक दिया, वो हम यूट्यूब चैनल में अपलोड किया, तो आप जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हो। एक दो वीडियो फीडबैक नहीं है, बहुत सारे लोगों का वीडियो फीडबैक है, तो आप पहले देख लो, उसके बाद अगर टेक्निकल चिरू के ऊपर भरोसा होते हैं, टेक्निकल चिरू के बात सही लगते हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट करो, आपको आसानी से NSDL ब्रांच आईडी मिल जाएगा।